सिविल डिफेंस व फायर विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आग से बचाव के लिए एक रेस्टोरेंट में मार्क ड्रिल किया गया, जिसके संबंध में सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने बताया कि पिछले एक महीने से 22 मई से 22 जून तक हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। शासन के निर्देश अनुसार सिविल डिफेंस जगह जगह पर आग से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्टोरेंट में जाकर कर्मचारियों को जागरूक किया गया है। यदि आग लगती है तो कैसे उसका बचाव किया जा सकता है, इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने कहा, पिछले एक महीने से 22 मई से 22 जून तक हम लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा है। शासन आदेश के मुताबिक गोरखपुर की सिविल डिफेंस यूनिट जो है वो प्रतिदिन जगह जगह पर ये आग से बुझाना और आग से रक्षा कैसे करनी है, अनेक स्कूल, कॉलेज और अन्य जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं इनको समझा रहे, इनको टीच कर रहे हैं कि कैसे आप लोग, अगर कोई आग लगती है, कोई घटना होती है तो कैसे उससे आप लोगों को बचाव करना है, कैसे सुरक्षित रहना है। इसी संदर्भ में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है यहाँ पे हजरतगंज रेस्टोरेंट में। यहाँ के स्टाफ को ये ट्रेन किया जा रहा है कि अगर कभी आग लगे तो कैसे उसका बचाव करना है।